साथियों, इस बार का जो हमारा प्रदर्शन रहा है उसका ईमानदार आकलन सिर्फ मेडल की संख्या से संभव नहीं है। हमारे कितने खिलाड़ी इस बार नेक टू नेक कंपीट करते नजर आए, ये भी अपने आप में किसी मेडल से कम नहीं है। ठीक है कि 0.1 सेकंड, 0.1 सेंटीमीटर का फासला रह गया होगा, लेकिन उसे भी हम कवर कर लेंगे, ये मेरा आपके प्रति पूरा विश्वास है। मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि जो खेल हमारी ताकत रहे हैं उनको तो हम मजबूत कर ही रहे हैं, हम नए खेलों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हॉकी में जिस प्रकार हम अपनी लेगेसी को फिर हासिल कर रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों टीमों के प्रयास, उनकी मेहनत, उनके मिजाज, उसकी बहुत बहुत सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। पिछली बार की तुलना में इस बार हमने 4 नए खेलों में जीत का नया रास्ता बनाया है। लॉन बाउल्स से लेकर एथलेटिक्स तक अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है। इस प्रदर्शन से देश में नए खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बहुत बढ़ने वाला है। नए खेलों में हम इसी तरह अपना प्रदर्शन और सुधारते चलना है। मैं देख रहा हूं पुराने सारे चेहरे मेरे सामने हैं, शरद हो, किदांबी हो, सिंधु हो, सौरभ हो, मीराबाई हो, बजरंग हो, विनेश, साक्षी, आप सभी सीनियर एथलीट्स ने उम्मीद के मुताबिक लीड किया है, हर एक का हौसला बुलंद किया है, और वहीं हमारे युवा एथलीट ने तो कमाल ही कर दिया है। गेम्स की शुरुआत से पहले मेरी जिन युवा साथियों से बात हुई थी, उन्होंने अपना वादा पूरा निभाया है। जिन्होंने डेब्यू किया है उनमें से 31 साथियों ने मेडल जीते हैं। ये दिखाता है कि आज हमारे युवाओं का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ रहा है। जब अनुभवी शरद डोमिनेट करते हैं और अविनाश, प्रियंका और संदीप पहली बार दुनिया के श्रेष्ठ एथलीट को टक्कर देते हैं, तो नए भारत की स्पिरिट दिखती है। स्पिरिट ये कि हम हर रेस में, हर कंपटीशन में अड़े हैं, तैयार खड़े हैं। एथलीट्स के पोडियम पर एक साथ दो दो स्थान पर तिरंगा की ओर सलामी देते भारतीय खिलाड़ियों को हमने कितनी बार देखा।